जितनी अधिक है लोगों के लिए उतना ही बेहतर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। ये संकल्प तभी सही मायने में सार्थक होगा जब हर गांव अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी जरूरतों का आंकलन स्वयं करे, अपने विकास की योजना भी स्वयं ही बनाए। हम चाहते हैं कि गांव गरीबी मुक्त हो, वहां अच्छे स्कूल, अच्छे पंचायत भवन हो, अच्छे सामुदायिक भवन हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो, गांव में हरियाली, साफ सुथरा, सफाई हो, वहां अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पीने योग्य पानी, ड्रेनेज, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत बुनियादी ढांचा होना चाहिए। सबकी योजना सबका विकास अभियान गांव के समावेशी और सहभागी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए इसे सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है, जिससे हमारे गांव का विकास वैश्विक मानकों के अनुरूप हो सके। गांव के बेहतर विकास के लिए जरूरी है कि वहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामवासियों की भागीदारी से पंचायत विकास योजना बनाई जाए। इस वर्ष भी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक सरपंच के रूप में हुई थी। मैंने खुद देखा और अनुभव भी किया कि हमारे गांव में कितनी अपार संभावना है। हमारे देश की आत्मा हमारे गांव में बसती है और इन गांव का विकास ही हमारे राष्ट्र के विकास की कुंजी है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और अपने विचार रखें, वहां की समस्याओं को बताएं। आपकी सक्रिय भागीदारी से ही हम राजस्थान को विकास के नए आयाम दे सकते हैं और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने गांव को विकसित और समृद्ध बनाएं तथा विकसित भारत के लिए विकसित पंचायत के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धारण शख्सियत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और आइए देखते हैं इसी सबका साथ सबका विकास सबकी योजना एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सभी को नमस्कार। आप लोग जानते ही हैं कि हर साल पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है, जिसमें पंचायत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और पैसों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष भर में किए जाने वाले कार्यों को चुना जाता है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि योजना कैसे बनानी है, पंचायत की जरूरतों को कैसे एक जगह लाया जाए जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सभी वर्गों की आवश्यकताएं शामिल हों। पर देखिए, बात से ही तो बात निकलेगी ना, तो आप लोग ही बातचीत की शुरुआत करें। पानी लेने के लिए कितनी दूर दूर जाना पड़ता है और बहुत सारी बातें करनी, पानी लेने के लिए कितनी आप सबने मिलकर प्राथमिकता के आधार पर कुछ गतिविधियों को चुनना पड़ेगा और कुछ को छोड़ना पड़ेगा। बाद में अतिरिक्त राशि आने पर इन छोड़ी हुई गतिविधियों को भी लिया जाएगा। कौन सी गतिविधियाँ इस वर्ष करेंगे, ये चुनाव करते समय ये याद रहे कि सबसे पहले वो काम लेने हैं जिनका सीधा लाभ बच्चों, महिलाओं और वंचित समुदाय को मिलेगा। तभी तो होगा कोई भी पीछे ना छूटे का सपना साकार। इस बार
ग्राम पंचायत योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि हम कुछ विषयों पर अधिक से अधिक काम कर सकें। हमने इसके लिए विभिन्न विभागीय योजनाओं, वित्त आयोग की राशि और मनरेगा के पैसे को शामिल कर लिया है, परंतु ये काफी नहीं है, और भी संसाधन जुटाने होंगे। इस साल ये भी सोचना होगा कि पंचायत की खुद की आय भी कैसे बढ़ भी छूटना नहीं चाहिए। इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने ग्राम पंचायत योजना का एक खाका तैयार किया है। आज हमें इसे अंतिम रूप देना है। हमारा काम तो अब शुरू हुआ है। योजना बनाना ही काफी नहीं है, हम सभी को अपनी भूमिका को समझना होगा, ये तय कर ले कि ऐसे ही योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए हमें हमारी पंचायत को वर्ष 2000 2 अक्टूबर 2014 को एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के स्वच्छ भारत अभियान की क्रांति का देश के दृढ़ निश्चयी दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा और इस अभियान के माध्यम से भारत के स्वच्छ शहरों, गांवों, कस्बों को साफ, कांच से जगमगाती सड़कों का, खुले में शौच रहित भारत का, समुचित कचरा प्रबंध का और स्वच्छता सफाई के प्रति प्रतिबद्ध नगरीय ग्रामीण निकायों के जनप्रतिनिधि का, वास्तविक जीवन के हीरोज का, रोल मॉडल्स का और सबसे बढ़कर जागरूक जन का, जागृत जनता जनार्दन का। और ये स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जिन संकल्पान जुझारू शब्दों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखने वाले प्रदेश नेतृत्व के बल पर देखा, कहने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अग्रणी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हमारे प्रदेश के आपके नेतृत्व में आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त है। और हमारे बीच है आज के आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी। अनुरोध करना चाहेंगे आप अपने संबोधन के लिए हमारे बीच पधारे और अपना उत्प्रेरण, अपना संबोधन हम तक पहुंचाएं माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा। भारत माता की, भारत माता की। स्वच्छता ही सेवा एवं घुमंत अर्ध घुमंत एवं विमुख परिवारों के आवासीय पट्टा वितरण के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी भाई साहब, आदरणीय मदन दिलावर जी भाई साहब, पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी जी, राज मंत्री पंचायती राज डॉक्टर सौम्या गुजर जी जो ग्रेटर के महापौर हैं, और हमारी जिला प्रमुख रमा जी, आपके सचिव जोगाराम जी, आज 2 अक्टूबर को आप सबके बीच में मैं हमारे महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित करती हूँ। आज इस विशेष दिन पर हम लोग यहाँ सब एकत्रित आए हैं। घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों का जो 1871 में अंग्रेजों के शासन में इनको एक आपराधिक जाति मान करके हमेशा इनका शोषण करते रहे वो लोग, लेकिन इतने सालों बाद भी 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ और 1952 में एक अधिनियम लाया गया जिससे इनको उससे आपराधिक जो अधिनियम बनाया था उसको खत्म करके और उनको सामान्य लोगों के बीच में सामान्य समाज के तरीके से उनको लाया गया। और मैं आज ये बहुत खुशी से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि अंत्योदय से की संकल्पना को लेकर के जो कार्य वो कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो बात करी आवासीय देने की, प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की बात करी, सबसे पहले जो महिलाओं के लिए बात करी, सिलेंडर की बात करी, इन सब बातों को लेने के बावजूद भी घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज की तरफ उन्होंने एक अपने परिवार के सदस्यों की भांति परिवार के मुखिया होने के नाते जो उनके लिए उनको करना चाहिए था, तो सबसे पहले उन्होंने उनके लिए आवास
आवास उनको मिले, सभी को आवास मिले ऐसी योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया। और आज मैं आपको ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उसी की योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी भाई साहब ने आज पट्टे वितरण का जो काम किया है, आज स्वच्छता और सेवा पखवाड़े का जो समापन समारोह है, इससे अच्छी सेवा मैं समझती हूँ कि नहीं हो सकती जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज जो पट्टे वितरण करके जो करने वाले हैं। पट्टे एक बार मकान बन जाता है और जब पट्टा मिल जाता है तो उस पर ठप्पा लग जाता है, और ये जो पट्टा होता है वो कई कामों में आता है, कई उसके आधार पर हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जो आगे के बहुत सारे चीजों में हमें उनकी जरूरत पड़ती है, राशन कार्ड में हो। और जब अपना मकान हो जाता है तो उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए, उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक 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 तरीका हो जाता है, एक साधन हो जाता है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो आज मैं इस स्वच्छता पखवाड़ा सेवा की बात करते हुए मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी को कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया और आज पूरे प्रदेश में 21,000 पट्टों का वितरण हो रहा है और सभी ग्रामीण जुड़े हुए हैं। और आपने अभी देखा होगा मेरे आने से पहले डॉक्यूमेंट्री जब चल रही थी तो यहाँ पे सब दिखाया जा रहा था। तो मैं आज आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक बार सभी लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दें ताकि बहुत बहुत आभार कर दें इसी बात के लिए कि एक पट्टे का जो महत्व है जो आपको समझ में आ जाएगा जब पट्टे आपके हाथ में आएंगे, तो एक अपना मकान बनने की जो खुशी होती है वो आज आपको महसूस होगी। मैं इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी। हम आपको याद दिला दें 17 सितंबर को राज्य स्तरीय समारोह में स्वच्छता पखवाड़ा का प्रारंभ हमने राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से किया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन। और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, इस स्वच्छता पखवाड़े का समापन समारोह जिसमें भव्य समारोह में मौजूद हैं आप सब, हम सब। हमारे बीच है विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास पंचायती राज आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार श्री ओटाराम देवासी जी। आपसे अनुरोध, अपने संबोधन के लिए पधारे माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की घुमंतु परिवार, अर्ध घुमंतु, और इनकी आवाज इतनी होगी तो कैसे चलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त परिवारों को जो पट्टे देने की योजना में इस कार्यक्रम में पधारे हमारे पंचायत राज के विभाग के और हमारे राजस्थान के मुख्य और मुख्यमंत्री जी सम्मान्य भजनलाल जी साहब और हमारे बीच विराजमान हमारे सबके आदरणीय और सम्मान्य मदन जी दिलावर साहब और हमारे बीच विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे चेयरमैन साहब, जिला प्रमुख साहब और हमारे पंचायत राज के सेक्रेटरी साहब और सभी पधारे सम्मान्य नागरिक बंधुओं, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, मैं मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत ने अंत्योदय जो योजना निकाली थी उसमें सबसे बड़ा एक संदेश दिया था कि ग्रामीण में बैठा हुआ व्यक्ति और उसकी कोई सुनने वाला है तो हमारी सरकार में सम्मान्य मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है और हमारे मदन जी दिलावर साहब है, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज का जो कार्यक्रम जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरे राष्ट्र के नाम का जो संदेश दिया था उसमें आज ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज दिन तक देश आजाद होने के बाद में भी
इनकी जो समस्या थी कि आज दिन तक हमारे देश आजाद होने के बाद में भी हमारे जगह का जो पट्टा मिलना चाहिए वो नहीं मिले, उसके लिए सरकार ने जो योजना बनाई, मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि घुमंतु और अर्ध घुमंतु विमुक्त परिवार ये ऐसे परिवार हैं जिनके लिए मैं क्या कहूं, आज देश आजाद होने के बाद में भी आज ये दिनों दिन घुमंतु माइग्रेशन और दिनों दिन अपने रूट पर हमेशा चलने का काम करते हैं। मैं विशेष तौर से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सम्माननीय मदन जी दिलावर साहब का और पंचायत राज का भी अभिनंदन करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये आने वाले समय में वो परिवार है जो आज दिन तक हमारे देश के अंदर घूमने का काम करते हैं, स्थायी जगह नहीं, गांव में रहने के लिए मकान नहीं, और आज दिन तक इन सब कहीं जमीन नहीं, इनके लिए बहुत बड़ी विकट समस्या है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का खूब खूब अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं कि आप इसी तरह से इस योजना को दिनों दिन आगे बढ़ाते रहे, इसी की भावनाओं के साथ जय हिंद जय भारत माता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आज का ये आयोजन राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के सभी जिलों में सीधे प्रसारण के माध्यम से वीसी के माध्यम से सभी घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति के समुदाय के परिवारों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी अद्भुत संस्कृति वेशभूषा रीति रिवाज भाषाओं के साथ भारत की घुमंतु और अर्ध घुमंतु खानाबदोश लोग विमुक्त जातियां देश और दुनिया में फैली हुई है। राजस्थान में बदलिया बंजारा बरगिया डुमा बारिस गाड़िया लोहार ईरानी जोगी कालबेलिया जोगी कनफटा धीर पालट शिकली गर घीस डिश खानाबदोश है तो सनवोलियर रेबारी रथ मंग ललिसा ये सब अर्ध घुमंतु है। बद्री कंजर सांसी जागरी बाबरिया मोगिया अखरोट नाइक मुल्तानी भाट विमुक्त जातियां हैं। और राणा प्रताप का सेना का शौर्य राजस्थान के मेहनती खुददार गाडोलीय लोहार पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत सारी शौर्य गाथाएं हैं, आइए देखते हैं ऐसी ही एक वीडियो गीत विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों की महिमा को हम सबके बीच रखते हुए आइए सुनते हैं और देखते हैं गीत। इस गीत को लिखा है श्री दुर्गा दास जी ने और स्वर दिया है राजस्थान की जानी मानी आवाज प्रकाश माली जी ने। आइए देखते हैं ये वीडियो गीत। घुमंतु जन जातियों की समझी उज्जवल परंपरा घुमंतु जन जातियों की समझी उज्जवल परंपरा कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा घुमंतु जन जातियों की समझी उज्जवल परंपरा कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा देव देशी और धर्म भाव में सदा रही अविचल भक्ति हर संकट में निर्भय होकर अर्पित की सारी शक्ति देव देश और धर्म भाव में सदा रही अविचल भक्ति हर संकट में निर्भय होकर अर्पित की सारी शक्ति आज भी इनके रोम रोम में फौलादी विश्वास भरा कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा
अंग्रेजों की कुटिल चाल ने इन पर दुष्ट प्रहार किए। अलग थलग हो अपमानों के कड़वे विष के घूंट पिए। अंग्रेजों की कुटिल चाल ने इन पर दुष्ट प्रहार किए। अलग थलग हो अपमानों से कड़वे विष के घूंट पिए। तूफानों में अड़ग रहे जो झेला है संघर्ष कड़ा। कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा। कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा। वर्तमान की प्रबल चुनौती इन विषयों पर देवे ध्यान। समरस शिक्षित सुखमय जीवन हर व्यक्ति का हो उत्थान। वर्तमान की प्रबल चुनौती इन विषयों पर देवे ध्यान। समरस शिक्षित सुखमय जीवन हर व्यक्ति का हो उत्थान। स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़ना जन जन की सब हरे व्यथा। कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा। कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा। कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा। कई कई कहानियां हैं, कई कई किंवदंतियां हैं। सचमुच रोमांचित हो उठे हम सब इस इतिहास को देखकर, रोंगटे खड़े हो गए। ये भी कहना चाहता हूं इनको कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि हमारे देश में कोई भी बिना छत के नहीं रहना चाहिए, तो इस सब लोगों के जो पट्टे मिल जाएंगे तो सारे पट्टों की सूची लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास आपके निर्देशन में जाएंगे। और बहुत उदार मना है सबको, वो कहेंगे कि सबको भी एक आवास आवास मिले, और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मकान देंगे। और हम सब लोग हमारी आंखों से इन सबको मकानों में देखेंगे। इनके बच्चे मकान के ताला लगाना सीखेंगे, इनके बच्चे स्कूल जाएंगे। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार अपने अभियान चलाकर जो घुमंतु जाति के जितने भी लोग हैं उनके बच्चों को, लगभग 4000 के लगभग बच्चों को हमने स्कूल से जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जाति का, कि आप सब लोगों का देश की स्वतंत्रता में और देश की सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये देश आपके पूर्वजों का योगदान था, उसको कभी भी नहीं भुला पाएगा। मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं और आपको आश्वस्त कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कार्यक्रम स्वच्छता का भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में अभियान चलाया और हम सबको निर्देशित किया था कि भारत देश स्वच्छ रहना चाहिए। उसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी उपलक्ष में आपके नेतृत्व में आज उसको प्रगाढ़ता देते हुए तेज गति से उस काम को करने के लिए भी हमने संकल्प लिया है आपके नेतृत्व में कि आने वाले 2 वर्षों में राजस्थान को हिंदुस्तान में सबसे प्रथम स्वच्छता में प्रदेश बनाएंगे। ऐसा हम करने वाले, हम जो स्वच्छता में लग रहे हैं लोग, उनकी भी सुरक्षा करेंगे, स्वास्थ्य की सुरक्षा करेंगे। और उस सब लोगों का हमने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया है
और उनको सुरक्षा उपकरण भी दे रहे हैं। और मैं आपको, आपने जैसा निर्देश दिया था कि देश भर में कहीं भी स्वच्छता का काम करते हैं उनके माप का अंकन नहीं होता है, किस आधार पर उनको मजदूर दी जाए ये कोई पता पता नहीं। तो आपके निर्देशन में हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि इनका बीएसआर रेट तय हो गया है कि कितने नाप की सफाई करेंगे तो कितना उनको मेहनताना दिया जाएगा, ये भी पहली बार हुआ है। मैं जो आपने निर्देश दिए थे उनको हमने पूरा करने का प्रयत्न किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इतना जानता हूं कि स्वच्छता नहीं है तो हम नहीं रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप सब लोगों को जानकारी है भाई और बहनों कि जब गोमाता पॉलीथीन को खा जाती है तो मर जाती है। और जब यही निरंतर चलता रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो धरती मां है उसने जवाब दे दिया है कि यदि खाद्यान्न पैदा नहीं कर सकती हूं, वो बीमार हो गई है, वो अस्वस्थ हो गई है, और उसको अस्वस्थ से स्वच्छ करने का कोई तरीका है तो गौ माता का गोबर है, गौ माता का पेशाब है। इसलिए गौ माता का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकते। अब ये भारत माता बहुत चिंतित है, परेशान है, वेदना में है, और कह रहे कि बच्चों आज तक मैंने तुमको पाला था लेकिन अब मैं बीमार हो गई हूं, आसक्त हो गई हूं, अब ज्यादा दिनों तक खाद्यान्न नहीं दे सकती हूं, और जो खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो हम जगह जगह पर मरे हुए पड़े मिलेंगे। और इसलिए धरती माता का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आवश्यक हो गया है कि गोमाता जिंदा रहे, और गोमाता जिंदा रहने के लिए आवश्यक हो गया है कि हम पॉलीथीन का उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं करें। पॉलीथीन को जलाने से और गंदगी जहां होती है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और जो प्लास्टिक को जलाते तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ये सब हमको बीमार करने में पर्याप्त होती है। इसलिए हम सब लोगों को किसी भी कीमत पर गंदगी को पसंद नहीं करना चाहिए, गंदगी को भगाना चाहिए और इस पॉलीथीन से पिंड छुड़ाना चाहिए, क्योंकि यदि गौ माता को अपनी माँ मानते हैं और बीमार होने से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, अपने प्रदेश और देश के लोगों को बचाना चाहते हैं तो किसी भी कीमत पर हमको गंदगी से दोस्ती नहीं रखना चाहिए। चाहे कहे भी हम, सबको ये आदेश दे, निवेदन करे, प्रार्थना करे कि पॉलीथीन का उपयोग मत करो, पॉलीथीन हम सब लोगों की दुश्मन है, और गंदगी से भी दोस्ती मत रखो, इसे जितना जल्दी हो हमारे पास से भगाना चाहिए। मैं उपस्थित सब लोगों से उनके चरणों में निवेदन करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ आपसे ये कह रहा हूं कि आप भी पॉलीथीन का उपयोग मत करना, और आपके गांव में, घर में कहीं भी गंदगी हो तो उसको दूर भगाना। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार राजस्थान भर में ये गंदगी से और पॉलीथीन से लगभग 7.5 लाख लोग हर साल मारे जाते यानी मर जाते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये WHO का आंकड़ा है, उन्होंने कहा है कि 7.5 लाख लोग गंदगी के कारण से मरते हैं। हमारे भाइयों को और बहनों को 7.5 लाख लोगों को बचाना है प्रतिवर्ष, तो गंदगी से दूरी बना लो, पॉलीथीन का उपयोग किसी की कीमत पर मत करो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमको जो समय दिया है इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके निर्देशन में ये राजस्थान 2 साल में हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ प्रदेश होगा। इतना ही निवेदन करता हुआ आप सब लोगों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच राणा प्रताप का सेना का शौर्य, गाडोलिया लोहार पूरी दुनिया में मशहूर है, बंजारों की बात अलग है, कई शौर्य गाथाएं हैं, गुजरों के बगड़ावत साहित्य में एक वफादार कलाकार ऐतिहासिक पात्र है, बजोरी कांजरी कालबेलिया नृत्य संस्कृति की तो एक तरह से राजस्थान की पहचान है, और आज इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जिसे रेखांकित कर रहे हैं हम आज के इस आयोजन में। और आइए, हमारे बीच सफाई मित्र यहाँ मौजूद हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित मंच से अनुरोध, इनका सम्मान करें, पीपी किट इन्हें प्रदान करें अपने कर कमलों से। और इस क्रम में सबसे पहले मन्नी देवी पत्नी राम प्रसाद जाग, मन्नी देवी जी यहाँ मंच पर आप पधारें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध अपने कर कमलों से इन्हें पीपी किट प्रदान करें। मन्नी देवी
पत्नी राम प्रसाद जाग, ग्राम पंचायत खनीपुरा जालसू जयपुर। ग्राम पंचायत खनीपुरा जालसू जयपुर से मनी देवी जी को ये पीपी किट आज प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद मनभरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद बुनकर, मनभरी देवी जी पत्नी जगदीश प्रसाद बुनकर ग्राम पंचायत हनीपुरा जालसू जयपुर से ही आइए। मनभरी देवी जी और ये पीपी किट माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मनभरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद। हाँ, तारा हरिजन पत्नी लक्ष्मी नारायण, तारा हरिजन पत्नी लक्ष्मी नारायण ग्राम गोनेर, ग्राम पंचायत गोनेर तहसील सांगनेर जयपुर। पीपी किट प्राप्त कर रही हैं तारा हरिजन पत्नी लक्ष्मी नारायण तहसील सांगनेर से, और उसके बाद माया हरिजन पत्नी सुभाष, प्रमाण पत्र और पीपी किट आपका सम्मान, सफाई मित्रों का सम्मान हम कर रहे हैं। माया हरिजन पत्नी सुभाष ग्राम गोनेर, ग्राम पंचायत गोनेर तहसील सांगनेर जयपुर। रहिए, अब हम करेंगे ग्राम पंचायतों का सम्मान। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान, और इस अभियान में राजस्थान के सभी जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों तक बढ़ चढ़कर कार्य किया गया। उनमें सर्वश्रेष्ठ चुनिंदा जिला ब्लॉक ग्राम पंचायतों का सम्मान आज के राज्य स्तर पर कर रहे हैं। माननीय से पुनः अनुरोध, और इस क्रम में सबसे पहले स्वच्छता लक्षित इकाइयों का चयन, और इस सम्मान को प्राप्त करेंगे श्री चंद्रभान से भाटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीलवाड़ा। चंद्रभान सिंह भाटी जी भीलवाड़ा से हमारे बीच, राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में इन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। स्वच्छता लक्षित इकाइयों का चयन श्री चंद्रभान सिंह भाटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर श्री उम्मीदी लाल मीणा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़। सफाई मित्र श्री उम्मीदी लाल जी आप मंच पर पधारे, इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं श्री उम्मीदी लाल मीणा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़। और अब स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार श्री ब्रज मोहन बैरवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजसमंद, और जेडीएफ प्लस की मॉडल श्रेणी में श्री सुभाष कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गंगानगर। और इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं श्री ब्रज मोहन बैरवा मुख्य। पंचायत समिति में स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर श्री अजीत सिंह विकास अधिकारी थाना गाजी अलवर। पंचायत समिति में स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर श्री जसवंत सिंह बिश्नोई विकास अधिकारी पांचू बीकानेर। पंचायत समिति में ही स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर श्री मुकेश पोरवाल विकास अधिकारी कपासन चित्तौड़गढ़। ग्राम पंचायत से स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए आज यहां सम्मानित किया जा रहा है श्री ऋषि राज मीणा सरपंच ग्राम पंचायत कीलपुर खेड़ा पंचायत समिति रेणी अलवर। पंचायत समिति में स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर श्रीमती कांता कंवर सरपंच ग्राम पंचायत समराऊ पंचायत समिति ओसिया जोधपुर।
ग्राम पंचायत में स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए श्रीमती कृष्णा माली सरपंच ग्राम पंचायत चेवत पंचायत समिति हैदराबाद कोटा। ये थे श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों के सम्मान। अंतिम सम्मान खैराबाद कोटा से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इन ग्राम पंचायत समितियों के श्रेष्ठ सराहनीय कार्य के लिए आज हमने सम्मान किया। और आइए विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय भूखंड का पट्टा वितरण आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। माननीय से पुनः अनुरोध, श्री गजानंद पुत्र श्री मांगी लाल नाथ। श्री गजानंद जी सालेडार खुर्द हैदराबाद से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, ये पट्टा इन्हें अपने कर कमलों से आप प्रदान करें। श्री मांगीलाल जी, श्री गजानंद जी हैदराबाद कोटा से। और उसके बाद श्री मोहन पुत्र सेवा बागरी। श्री मोहन पुत्र श्री सेवा बागरी। श्री बबलू पुत्र श्री लक्ष्मण बागरी। राधे श्याम पुत्र श्री बीरमचंद बागरी। आप सबकी जोरदार तालियों की दरकार। श्री रामदेव पुत्र श्री रामकिशन बागरी। श्री रामदेव, रामदेव जी क्या नाम है? रामदेव जी, राधे श्याम जी, लीजिए राधे श्याम जी पुत्र बीरमचंद बागरी। राधे श्याम जी आइए पहले। हाँ लीजिए, और इसके बाद रामदेव जी। रामदेव जी पांच पट्टों का वितरण हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया। और आइए, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब अनुरोध माननीय मंत्री महोदय, अगले पट्टों का वितरण आप अपने कर कमलों से करें। श्री फूलचंद पुत्र घासी बागरी जी, आप धन्यवाद आइए। अगले पट्टों का वितरण हम माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से करवाना चाहेंगे। फूलचंद जी पुत्र श्री घासी बागरी हैदराबाद से। श्री राजा राम पुत्र श्री भैरू बागरी। श्री राजा राम पुत्र श्री भैरू बागरी सालेडार खुर्द हैदराबाद से। श्री रमेश पुत्र श्री कन्ही राम बंजारा। श्री रमेश मदनपुरा हैदराबाद से। श्री रमेश, रमेश जी के बाद श्री रोडू लाल पुत्र श्री कान्ही बंजारा जी। आपके हाथ से पांच? नहीं नहीं, मैं जाऊंगा इसलिए कहा। धन्यवाद, बहुत बहुत
धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब लाभार्थियों से संवाद के लिए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। हमारे सभी जिलों से जो लाभार्थी जिन्हें आज पट्टा वितरण यहाँ किया गया है उनसे आप संवाद करें। सभी को नमस्कार। श्री मनफूल नाथ जी पुत्र गोपनाथ जी बीकानेर गांव बत्सा सर से, बीकानेर से गोमकर जाति के हैं हम। कालवेलिया जात है हमारी, तो हम कई वर्षों से घूमते रहे, हमारे पूर्वज भी घूमते रहे, लेकिन हमारे को कभी भी जमीन वगैरह नहीं मिली, पट्टा नहीं मिला। तो मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी और भजन लाल जी शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके समय में ये हमारे को पट्टा मिला, तो हमारे को बहुत खुशी हुई। पट्टा मिल गया ना आपको? मिल गया, ये रहा हमारे हाथ के अंदर पट्टा। अच्छा अच्छा, कितने लोग हैं आपको पट्टा मिला है? हमारे को 60 लोगों को पट्टा मिलेगा हमारे काल में। एक बार ताली बजाइए सभी के लिए। बहुत अच्छा मनफूल जी, बहुत अच्छा। अच्छा साहब, हमारे जेठानंद जी भी बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निश्चिंत रहिए, पट्टा मिला है तो मकान भी मिलेगा, चिंता मत करिए। अली श्री हुकुमाराम जी, हुकुमा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। कैसे हो? बस आपका ही, आपका आभार है सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको कैसा लग रहा है? आपको पट्टा मिला है ना? बहुत खुशी हो रही है, आज हमें पट्टा मिला है, बहुत खुशी हो रही है। आपके यहाँ कितने भाइयों को पट्टा मिला है? हमारे गांव में 2 लोगों को मिला है और पूरे पाली जिले में 1100 लोगों को पट्टा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है साहब, बहुत अच्छा। हाँ सर, इससे पहले कोई मकान थोड़ी था आपके पास, कोई पट्टा थोड़ी था इस तरह का आपके पास? नहीं था, हमारे पास ऐसे झोंपड़ी लगा के रह रहे थे गांव में, भटक रहे थे सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुकुमाराम जी। आपको सरकार ने पट्टा दिया है, मोदी जी ने पट्टा दिया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपका आशीर्वाद है और आगे से भी जो भी कोई सुविधा हो तो हमें बताना। नहीं बिल्कुल, आभारी है आपको, चिंता मत करिए। हाँ सर, आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। बहुत अच्छा, आप तैयार रहिए, मोदी जी आपको सभी सुविधा देने वाले हैं। जी सर, जी सर। कोटा श्री भैरोलाल पुत्र श्री शंकर लाल। जी सर, मैं भैरोलाल रेवारी, पिता श्री शंकर लाल रेवारी, ग्राम नालोदी, ग्राम पंचायत दाता, ग्राम पंचायत समिति सांगो, जिला कोटा का रहने वाला हूँ। और मैं अपने देश के यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर और हमारे राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी का हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज इन्होंने हमें घुमंतु विमुक्त और अर्ध घुमंतु परिवारों को जो पट्टे दिए हैं हमें, उनके लिए मैं बहुत दिल से इनका धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी समाज यूं ही घूमते थे, हम कई वर्षों से हमारे पूर्वजों का सपना था वो यूं ही खप गए, उनका सपना पूरा हुआ नहीं, पर आज हमारी सरकार ने हमारा सपना पूरा किया है, तो हमें बहुत गर्व महसूस है हमारे समाज पर और हमारी इस सरकार पर कि हमें पट्टा मिला है। अब हमारा खुद का घर होगा, हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना नाम की सूची में नाम भी है, तो अब हमें आवास भी जरूर मिलेगा, उसका भी पूरा विश्वास है।
और आगे से भी हर सुविधा हर कल्याणकारी योजनाएं हमें मिलती रहेगी और इसके साथ मुझे कहीं भी जन कल्याणकारी योजनाएं मिलती है। मैं अभी एक दिव्यांग व्यक्ति हूं सर, तो मुझे उसमें प्रति महीने 1000 रुपए पेंशन के भी मिलते हैं। मेरे वृद्ध दादाजी को प्रति महीने उनको भी पेंशन मिलती है और अच्छा, मुझे अन्नदान योजना के साथ गेहूं भी मिलता है और उसमें उज्ज्वला गैस योजना के तहत मेरे घर का भोजन भी उस गैस पे ही पकता है। तो मैं गरीब के लिए इतनी सारी सुविधाएं एक सरकार का देना बिल्कुल अद्भुत है और आप सभी का हार्दिक दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद बना रहे और इन सबके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। राम राम साहब। राम राम। बहुत अच्छा जी सर। चित्तौड़गढ़ श्री रूपेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार रूपेश जी। नमस्कार सर, मैं रूपेश कंजर सर, कंजर बस्ती बस्सी। वाह, धुमंतु कैसा लग रहा है आपको आज? आपको पट्टा मिल गया? नहीं मिल गया सर, ये रहा मेरे। दिखाइए दिखाइए पट्टे को, दिखाइए सभी को। हमारे सांसद बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, हमारे जिला प्रमुख जी बैठे हैं, हमारे। ये रहा पट्टा सर, हाथ में जब पट्टा हो तो खुशी की क्या बात होगी सर। खुशी इतनी ज्यादा आ रही कि मेरे हाथ में पट्टा है। आपके जिले में, आपके जिले में कितने लोगों को मिला है? हमारे वहाँ से 91 लोगों को मिला, हमारे गांव से कंजर बस्ती से 91 लोगों को मिल रहा है सर। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा। और पूरे चित्तौड़ जिले से 1273 लोगों को मिल रहा है सर। वाह, चित्तौड़ में 1273 को मिला है जी सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, धन्यवाद दीजिए हमारे सांसद जी। हमारे दोनों विधायक है, हमारे जिला प्रमुख है, वो वहाँ बैठे है, ये आगे भी आपके जैसा समाधान करेंगे और चिंता मत करिए, क्योंकि मोदी मोदी जी है तो मुमकिन है, इसलिए आप पट्टा मिला है तो आगे मकान भी मिलेगा, ये भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। जी सर, जी सर, आपने हम कंजर समाज को और अन्य समाजों को धुमंत और अर्ध धुमंत जनजातियों को जो एक निःशुल्क अभियान चलाकर जो ये पट्टे दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने हमारे बारे में सोचा, जो कहीं घूमते थे 2 दिन यहाँ रहना, 1 दिन यहाँ रहना, कहीं कभी कभार लोगों को कोई लोग रहने नहीं देते और हम 1 दिन यहाँ घूमते वहाँ घूमते तो हमारे बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, लेकिन अब हमें स्वयं का मालिकाना हक मिला तो हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया, अब हमारा उज्जवल भविष्य होगा। चलिए बहुत अच्छा रूपेश जी, बहुत अच्छा जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका परिवार आगे बढ़े, बच्चे पढ़े, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका जीवन एक अच्छा जीवन हो, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका कभी चित्तौड़ आने आता हो में जाओ सर, आपका नहीं, आपने पट्टा ले लिया जी सर, ले लिया मैंने। आपका मकान बनेगा, उसके बाद हम आएंगे आपके पास। जी सर अवश्य आना सर। जय सर, सावरिया सेठ की जय। बहुत अच्छा, सिरोही श्री रत्नाराम सिरोही। रत्नाराम जी नमस्कार। जी राम सर, कैसे हो? बस बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है सर, पट्टा मिल गया है सर। मेरा नाम रत्नाराम है, जाति रबारी है, निवासी हूँ। हम गोपालक है, गायों को पालते हैं और गो पालने के लिए हमें सर अलग अलग राज्यों में घूमना पड़ता था और हमारे पास करने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं थी, तो आपके सरकार की बदौलत हमें आज ये पट्टा मिल गया है सर और बहुत खुशी हो रही है। और सर मैं और समस्त अर्ध घुमंतु समुदाय आपका और आपकी सरकार का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं सर, और सारे सर आपके असीम कृपा बनाए रखे। आपके गांव में कितने पट्टे मिले हैं? मेरे गांव में कुल 7 पट्टे मिले और पूरे जिले में 1400 पट्टे मिले हैं सर। 1400 पट्टे जी
सिरोही जिले में 1400 पट्टा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपके गांव में 7 पट्टे मिले हैं और आपके जिले में 1400 पट्टे मिले हैं जी सर, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी को सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आपका सपना पूरा हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी सर, सर हम बाड़े में रहते थे, आपकी बदौलत हमें रहने को छत मिल गई है अभी। जी जी सर, ये जयपुर से हैं राकेश जी सासी। बताइए राकेश जी, आपको पट्टा मिल गया? पट्टे मिल गए भाई साहब। यहाँ पे आज देश आजाद होने के बाद घुमंतु विमुक्त और अर्ध घुमंतु जो जातियां थी, जिन्होंने देश की आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसके कारण देश की संस्कृति और धर्म के लिए इन्होंने मुगलों से और अंग्रेजी हुकूमत से हमेशा लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद इन पे 1871 में एक ऐसा काला कानून पारित किया अंग्रेजों ने, जिसके कारण इन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट से आज भी जाना जाता है। 1952 की तत्कालीन सरकार ने उसे हटाया जरूर, लेकिन उसे ये कह के कैसा भी ये आदतन अपराध, जन्मजात अपराधी नहीं, ये आदतन अपराधी है। आज भी देश में ऐसा कानून हैबिचुअल ऑफेंडर के कारण चल रहा है, जिसके कारण इन जातियों का बहुत ज्यादा विनाश और बहुत ज्यादा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के अपना व्यापार करते थे, अपने परिवार को पालते थे। देश आजाद होने के 78 साल बाद आज भाजपा की राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी सरकार ने इन्हें दिया है और ये पट्टे दिए हैं, जिन्हें आज रहने का इनके मूलभूत अधिकारों को जो मिलने चाहिए थे वो सही मायने में भाजपा की राजस्थान सरकार ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं पूरे घुमंतु समाज की तरफ से आपका तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो संवाद किया इन लाभार्थियों से, ये इनमें उत्साह और प्रेरणा का संचार करेगा। किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ उसके नक्शे पर उतरी हुई रेखाकृतियों से नहीं हो, उसकी असली पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसके उपलब्धियों से। और राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं और इन उपलब्धियों के साथ हम मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए आपकी संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। राजस्थान की जनता के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं और नवाचारों का सूत्रपात कर दिया। बेशक हम सबको राजस्थान पर गर्व है, स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान, और हमारे इस राजस्थान का गौरव, राजस्थान का अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी। आपसे अनुरोध मंजू शर्मा जी, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर जी, पंचायत राज के शासन सचिव जोगाराम पटेल जी, हमारे विधायक महेंद्रपाल जी, राम अवतार जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और बहुत बड़ी संख्या में आई हमारी माता और बहनों। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और ये 2 अक्टूबर देश के दो महापुरुषों का जन्मदिन भी है,
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दोनों का ही देश के प्रति जिन्होंने समर्पण भाव से कार्य किया है, मैं उन दोनों की जन्म जयंती पर उनको भावांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कि राष्ट्र की मजबूती के लिए और इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए दिशा देने का काम किया था। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा स्वच्छता स्वदेशी पर्यावरण इन सभी विषयों को लेकर के उन्होंने जनजागरण अभियान की शुरुआत की थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने महात्मा गांधी जी के उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। स्वच्छता के अभियान को 10 वर्ष पूरे हुए हैं, 2 अक्टूबर 2014 को वो अभियान प्रारंभ हुआ और देश में स्वच्छता को लेकर के एक वातावरण बना है। आज हम कह सकते हैं देश में स्वच्छता के प्रति हर क्षेत्र में जो अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया वो तो आगे भी बढ़ा है और हर व्यक्ति के जहन में स्वच्छता मन में घर कर गया है। आज हम चलते हुए निकलते हुए अगर छोटे बच्चे से भी बात करेंगे तो वो भी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ स्वच्छता आदमी के जीवन में स्वस्थता लाती है, व्यक्ति स्वस्थ होता है, काम करने का वातावरण बनता है, गंदगी दूर होती है। मैं कह सकता हूं इसी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और सादगी का संदेश देने का काम और गहराई से चिंतन करने का काम भी किया है। महात्मा गांधी जी हमेशा सफाई और स्वच्छता का अत्यंत महत्वपूर्ण माना करते थे और आसपास के क्षेत्रों में सफाई भी करते थे। वो प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई करके इस अभियान को प्रारंभ किया। पर आज हम कह सकते हैं कि यह उनका पर्याय बन गया है और स्वच्छता की स्थिति देश के अंदर पूरी तरह से बदली है, क्योंकि स्वच्छता रहेगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा अच्छे अच्छे आइडिया उसके मन में आएंगे और हमारा राष्ट्र प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमें गर्व भी कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश की नई दिशा भी दी है। लाखों शौचालय का निर्माण हुआ है, खुले में शौच से मुक्त भी हुए हैं और स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता ने हमारे गांव शहर कस्बों को
साफ सुथरा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। हर घर 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 शौचालय बनाए गए हैं, बल्कि स्वच्छता के प्रति मानसिकता का भी विकास हुआ है। गांव गांव में अब सफाई एवं महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। यही नहीं, मैं कह सकता हूं कि आज आपने देखा होगा स्वच्छता के क्षेत्र में हमने कई ऐसी पंचायत समिति को और पंचायतों को प्रमाण पत्र भी देने का काम किया है। ये पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। राज्य के अंदर जिस तरह से प्रगति हुई है वो भी आपसे छुपी हुई नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने गरीबी को देखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चल रहे हैं, उनकी एक एक योजनाएं उनके विचारों पर है। वो बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, वो ही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे। अंतिम छोर में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, हमें उन तक पहुंचना है। और मैं कह सकता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना पूरे देश के अंदर, क्योंकि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तस्वीर बदली है। आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं, मुझे आज खुशी है कि मैं आज ऐसे परिवार जिन्होंने इस देश के लिए, इस परिवार जो आज हमने पट्टे दिए, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। चाहे इस देश के अंदर हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, लेकिन मैं कह सकता हूं ये समाज अग्रणी रहा और इन समाज के पूर्वजों ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी, पूरी तरह से लड़ाई ली। आज इनका प्रण देखिए, जो महाराणा प्रताप जी के साथ लड़े थे, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे गौरव हैं, उनके साथ जिन्होंने युद्ध किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, और मैं कह सकता हूं कि आज तक वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटक है। ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। इतनी यातनाएं झेली थी, इतना समर्पण उनका था, लेकिन सही कहा मेरे भाई राकेश जी ने, कई लोगों के आपने उनके मन के उद्गार सुने होंगे। आजादी के 70 और 75 साल बाद अगर उनको मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिले, उनको एक रहने के लिए आवास नहीं मिले, तो कितनी बड़ी बात होती है। मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना है, क्योंकि वो गरीबी से निकल करके, गरीबी को देख करके वो आगे बढ़े हैं, और इसीलिए वो गरीबी के महत्व को जानते हैं। क्योंकि हर एक योजना उस गरीब व्यक्ति के लिए होती है, एक उस किसान के लिए होती है, एक मजदूर के लिए होती है, एक मेरे उस युवा भाई के जो सपने होते हैं उस युवा भाई के की बात होती है, एक हमारी जो माताएं
की माताएं तो हमारी जन्म से ही जो तपस्याएं करती हैं सभी जानते हैं। हमारी माँ खुद गीले में सोती है और अपने बेटे और बेटी को सूखे में सुलाती है। उस माँ का कोई मोल नहीं होता है। ऐसी माँ का अगर कोई ध्यान रखने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि इस देश के अंदर चार जाति है और वो चार जाति कौन सी हैं? मजदूर, किसान, युवा और महिला। अगर इनका उत्थान होगा, ये अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेवा पखवाड़ा है और इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से आपने देखा होगा 17 सितंबर का हमारा कार्यक्रम था। हमने उस सेवा पखवाड़े को ऐसे ही नहीं, हमने 8000 हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर के प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे हैं 21000 हमारे उन भाई बहनों को जिनको मकान बनाने के लिए पट्टा नहीं था, 21 राजस्थान के अंदर घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्तों के लिए 21000 पट्टा देने का काम आज 2 अक्टूबर को किया गया है। यही नहीं, मैं और आपको बताना चाहता हूं, हमारी प्रदेश की सरकार ने आज हमको लगभग 9 महीने होते आए हैं, हमारा एक एक काम उस गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बहनों के लिए। और अभी आपने देखा होगा 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी, क्योंकि हमें पता है हम गरीब के दर्द को जानते हैं, उस मजदूर के दर्द को जानते हैं, इनका बेटा पढ़ा लिखा है, रोजगार के लिए घूम रहा है। मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं कि पहली बार 29 तारीख को कैबिनेट में 90000 वैकेंसी निकालने का काम किया है राजस्थान के अंदर। 90000 शायद यह पहला मौका होगा। मुझे ध्यान नहीं है एक साथ 90000 और वो भी उस लेवल की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी गांव राजस्थान में ऐसा नहीं होगा कि इस 90000 में मेरा उस गांव के 2, 4, 5, 10 युवा नहीं आएंगे। ये भी मैं आपको कह सकता हूं। 60000 वो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये 60000 वैकेंसी क्या 1 साल या 2 साल में इतनी रिक्त हुई क्या? मैं कहना चाहता हूं उन्होंने क्यों नहीं निकाले? गरीब का व्यक्ति अगर कहीं किसी रोजगार में आ जाए, उसको रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी में आ जाए, तो क्या दिक्कत होने वाली थी उनको? नहीं सोचा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 60000 वैकेंसी 1 साल 2 साल नहीं, इतनी वैकेंसी हो गई। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में हम गए थे,
और जिस संकल्प को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, मैं बार बार याद भी दिलाता हूं, जिन संकल्पों के साथ हम राजस्थान की जनता के बीच, राजस्थान के उस युवा के बीच, राजस्थान की हमारी बहनों के बीच में और राजस्थान के किसान के बीच में गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे, एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। 5,000 हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह निकाली है और उसमें हमने कहा है कि हमारा भाई 10वीं पास होगा, पेपर देगा और पेपर देने के बाद निष्पक्ष रूप से उसका परिणाम निकलेगा और निष्पक्ष रूप से भर्ती होगी, किसी तरह का कोई इंटरव्यू या वो नहीं होगा जिससे किसी भी तरह से किसी को दिक्कत हो। इसी तरह से 23,000 हमारे सफाई कर्मी, उनकी जगह निकालने का काम किया है, वो हमारे सफाई कर्मी हर नगर पालिका में जो जिनकी आवश्यकता है 23,000 जगह हम उनकी भी निकाल रहे हैं। और हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं, वाहन चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनकी भी जगह हम निकाल रहे हैं। और हमने जो कहा है कि इस साल में हम 1,00,000 रोजगार देने का काम करेंगे और हम 5 साल में 4,00,000 सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, मैं आपसे आज भी कह रहा हूं कि ज्यादा भली हो जाएंगी लेकिन कम एक भी नहीं होगी, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। और इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए तो हमें आवश्यक लगता है, क्योंकि बिना हम उसके जो अंतिम पंक्ति में हमारा भाई खड़ा है, हमारी बहन खड़ी है, जब तक उसको सुविधा नहीं मिले, जब तक उसको उसका हक नहीं मिले, हमारा राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पंचायत राज विभाग को, उनके हमारे मंत्री जी को, माननीय मदन जी को, माननीय ओटा राम जी को, कि आज आपने एक बहुत बड़े पुण्य का काम किया है, बहुत बड़े पुण्य का काम हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि वो बसेंगे तो जब ही जब उनके पास बसने के लिए स्थान होगा, उनके पास मकान बनाने के लिए पट्टा होगा। और आज मैं ऐसे सभी 21,000 उन सभी भाई बंधुओं को, बहनों को बधाई देना चाहता हूं और ये विश्वास भी उनको मैं दिलाता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर आप सभी को भरोसा होना चाहिए कि आने वाले समय में आपको पट्टा ही नहीं, मकान की भी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होगी, क्योंकि हमें आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को हमें उन्होंने जो विचार दिया उस पर आगे बढ़ना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको मैं मेरे थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूं, तो याद में यह दिलाना चाहता हूं, हमने किसानों से भी वादा किया, हमने युवाओं से भी वादा किया, हमने राजस्थान की जनता से जो वादा किया आप देख लीजिए, हमने वादा किया, हम आज 50% के लगभग हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने जा रहे हैं, 50% संकल्प पत्र को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अभी ट्वीट करते हैं, जरा अपनी सरकार के समय के ट्वीट भी देख लीजिए, वो भी ट्वीट देख लीजिए, आप क्या करते थे। अरे आप हमको सलाह दे रहे हैं, आप कुछ सलाह पहले अपनी भी देख लेते, हमको तो बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं आप। अरे आप अपनी जो सलाह पहले जो आपने काम किया है जरा उनकी ओर भी ध्यान दे लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों,
जिसके मन में काम करने की होती है, जिनके मन में कल्पना होती है और जिनका नेतृत्व मजबूत होता है, निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा नेतृत्व मजबूत है। हमने जो कहा है कि हमारा राजस्थान विकसित होगा और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक वायदे को भी पूरा करेंगे और जनता से जो हमने कहा है उसको हम करके भी दिखाएंगे। हमने जो किसानों को कहा था क्या उनकी हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, तो किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया। हमने कहा कि हम गरीबों बहनों को गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया। हमने कहा कि हम डीजल पेट्रोल पे पेट भी घटाएंगे, पैसा कम करेंगे, वो भी हमने कम करने का काम किया। हमने कहा किसानों की गेहूं पर एमएसपी भी बढ़ाएंगे, हमने 2275 से 2400 रुपए करने का काम वो भी हमने किया। हमने कहा हमारी आंगनबाड़ी, हमारी आशा सहयोग ये जो हमारी बहनें हैं उनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, 15% उनका भी वेतन हमने बढ़ा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के हो नगर निकाय के हो, उनसे भी कहा कि हम आपका भी वेतन भत्ता बढ़ाने का काम करेंगे, उनका भी वेतन भत्ता बढ़ाने का काम किया। हमने कहा हमारी ERCP की योजना तो हमारे 13 जिलों में उसको भी लेकर के आएंगे, वो भी आने वाली है।